तस्वीरें जो बयां करती हैं हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी, खबर दिन भर। झारखंड वैद्य ब्राह्मण समाज रांची झारखंड के तत्वाधान में शनिवार को 61वां वार्षिक सम्मेलन सह समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह का आयोजन बेड़ो प्रखंड के बारीडी गांव में किया गया, जिसमें समाज के सदस्यों द्वारा कोरोना के नियमों का पालन करते हुए भाग लिया गया। सम्मेलन में रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, सिमडेगा समेत कई जिले के लोगों ने भाग लिया। समारोह का उद्घाटन समाज के अध्यक्ष बानी कुमार रॉय व सचिव नित्यानंद रॉय ने दीप प्रज्वलित कर भगवान धन्वंतरि की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हुए किया। कार्यक्रम की शुरुआत ओम उच्चारण के ब्रह्मनाद से की गई। वहीं समारोह की अध्यक्षता करते हुए बानी कुमार राय ने कहा कि वैद्य ब्राह्मण समाज के योगदानों उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता। इस समाज के कवियों, कलाकारों, गीतकारों, नाटककारों, साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और बुद्धिजीवियों ने अपने योगदानों और उपलब्धियों से समाज के साथ साथ पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए युवाओं का आह्वान किया। राष्ट्र के निर्माण, एकता व अखंडता के लिए समाज में एकजुट होकर आगे आने और इसे मजबूती प्रदान करने की बात कही। सम्मेलन में तीनों सत्रों में सामाजिक संगठन, समाज का उत्थान, प्रगति, सांस्कृतिक गतिविधियों व्यापक चर्चा की गई। साथ ही समाज के विकास के लिए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने व महिलाओं की सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया। साथ ही 32 ग्रामीणों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सोना न्यूज बेड़ो से राज रॉय की रिपोर्ट। मैं धनंजय कुमार राय झारखंड वैद्य ब्राह्मण समाज का एक प्रवक्ता हूं और आज झारखंड प्रदेश का 61वां अधिवेशन रांची जिला के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत ग्राम बारीडी में संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे समाज के द्वारा समाज हित में और राज्य के हित में ढेर सारी बातों का यहाँ पर विस्तृत तौर पर चर्चा किया गया। और ये जो अधिवेशन है, इस अधिवेशन में हमारे झारखंड वैद्य ब्राह्मण समाज के द्वारा पूरे झारखंड को यहाँ के क्षेत्रीय भाषा एवं राज्य के विकास के लिए बहुत सारे कार्यों का निष्पादन या बहुत सारे कार्यों को हमारे समाज के द्वारा किया गया है। मैं आप लोगों को ये बतला दूं कि हमारे समाज ने इस झारखंड राज्य को बहुत सारे साहित्यकार, गीतकार, संगीतकार और अच्छे अच्छे लोग दिए हैं, जिन्होंने हमारे समाज को तो आगे बढ़ाया ही है, झारखंड को भी आगे बढ़ाने में अहम भूमिकाएं अदा की हैं। और इस तरह का कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हुआ और इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में हमारे बारीडी के सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैं बानी कुमार राय झारखंड वैद्य ब्राह्मण समाज की अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। आज 61वां वार्षिक अधिवेशन रांची जिले के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत बारीडी ग्राम में 61वां अधिवेशन हो रहा है। इस अधिवेशन में समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज के धार्मिक, सामाजिक सभी बिंदुओं पर, खास करके युवा वर्ग एवं महिला सशक्तिकरण के पर विशेष जोर दिया गया है। और झारखंड वैद्य ब्राह्मण समाज इस कार्य को निरंतर करते आ रहा है।